नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल माहिदा टेकी पर। तो दोस्तों आज कंपैरिजन करने वाले हैं बोट एनिग्मा स्मार्ट वॉच का, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, उसका हम कंपैरिजन करेंगे ऑनर बैंड 6 का, जो कि एक मच अवेटेड फिटनेस बैंड बन गया है अभी इंडिया में। काफी लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो कैसा रहने वाला है, कब लॉन्च होगा, तो अगले हफ्ते वो लॉन्च हो जाएगा। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा, किसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी रहने वाली है, कौन सा आपको ज्यादा फीचर ऑफर कर रहा है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, मैं ऐसी धमाकेदार वीडियोस आपके सामने लाता रहता हूं। तो चलिए ज्यादा देर ना लगाते हुए शुरू करते हैं कंपैरिजन से। प्राइस रेंज की बात करते हैं दोस्तों, तो बोट एनिग्मा है 2999 और ऑनर बैंड 6 का एस्टिमेटेड प्राइस 2600 से 2800 के बीच में रहने वाला है। ये चाइनीज अमाउंट को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके मैंने निकाला है। कलर्स की बात करते हैं तो एनिग्मा में डायल तो ब्लैक कलर का है, उसके साथ में स्ट्रैप मिल रहा है ब्लैक और ग्रे, और साथ में ऑनर बैंड 6 में कोरल पाउडर, मेटोराइट ब्लैक, सीगल ग्रे कलर देखने को मिलते हैं। कंपैटिबिलिटी में दोनों ही iOS एंड एंड्रॉइड को सपोर्ट करते हैं। स्क्रीन साइज बोट एनिग्मा का थोड़ा सा बड़ा है 1.54 इंचेस, और ऑनर बैंड 6 का है 1.47 इंचेस। डिस्प्ले की बात करते तो एनिग्मा में आपको TFT 2.5D कर्व स्क्रीन लगा हुआ 240x240 पिक्सल रिजोल्यूशन की स्क्रीन मिलती है, डिस्प्ले मिलता है। वहीं पे आपको ऑनर बैंड 6 में एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है 194x368 पिक्सल रिजोल्यूशन के साथ में, 2.5D ग्लास इसमें भी लगा हुआ है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑनर बैंड 6 ने स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन बोट एनिग्मा में देखने को मिलता है। स्क्रीन प्रोटेक्शन दोनों ने ही स्पेसिफाई नहीं करी है। बॉडी टाइप में मेटल बॉडी आपको बोट एनिग्मा में देखने को मिलती है, तो यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी जो बॉडी है, और बैंड 6 जो है उसकी पॉलीकार्बोनेट की बिल्ट है। डायल शेप में दोनों ही रेक्टेंगुलर हैं, लेकिन जो बैंड 6 है थोड़ा ज़्यादा ही रेक्टेंगुलर है। स्ट्रैप की बात करते हैं, दोनों में ही आपको सिलिकॉन स्ट्रैप देखने को मिलता है, और बोट में आपको एक्स्ट्रा सिलिकॉन स्ट्रैप फ्री मिल रहा है। वेट की बात करते हैं तो 52 ग्राम है बोट का वेट, और 18 ग्राम है विदाउट स्ट्रैप ऑनर बैंड 6 का। नोटिफिकेशन दोनों में ही आपको इनकमिंग कॉल, SMS, WhatsApp, Facebook एंड अदर ऐप्स के देखने को मिल जाएंगे। मोबाइल कंट्रोल्स में दोनों में ही आपको म्यूजिक कंट्रोल एंड कैमरा कंट्रोल दोनों मिल रहे हैं, तो म्यूजिक कंट्रोल की मदद से आप अपने फ़ोन में जो सॉन्ग चल रहे हैं उनको चेंज कर सकते हैं, आवाज़ ऊपर नीचे कर सकते हैं, और कैमरा कंट्रोल की मदद से आप फोटो खींच सकते हैं। मेक और आंसर कॉल में आप दोनों में ही कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 4.2 है बोट में, और 5.0 लेटेस्ट मिल रहा है ऑनर में। बैटरी 230mAh की बड़ी बैटरी हमें बोट में देखने को मिलती है, और लगभग 10 दिन का बैटरी बैकअप क्लेम करती है। वही 180mAh में लगभग 14 दिन का बैटरी बैकअप ऑनर बैंड 6 क्लेम करता है। बिल्ट इन GPS दोनों में ही अवेलेबल नहीं है, लेकिन बोट में कनेक्टेड वाया फ़ोन है, कनेक्टेड GPS फैसिलिटी है, आई थिंक ऑनर में भी देखने को मिलेगा। डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस में 5 ATM है ऑनर बैंड 6 और 3 ATM है बोट। तो दोनों ही जो वॉचेज़ हैं, जो बैंड हैं, वो आप पानी में लेके जा सकते हैं, स्विमर्स इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल वॉच फेसेस सिर्फ 8 हमें देखने को मिलते हैं बोट में, जबकि ऑनर में आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। ब्लड प्रेशर एंड ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर ये दोनों हमको देखने को मिलते हैं बोट में, और इसमें से सिर्फ आपको SpO2 देखने को मिलता है ऑनर में। अदर अट्रैक्टिव फीचर्स एंड सेंसर्स की बात करें तो आप शेक कर सकते हैं रिस्ट को पिक्चर्स खींचने के लिए या वॉच फेस चेंज करने के लिए बोट में। अनयूजुअल हार्ट रेट का अलर्ट भी आता है, इको मोड है बैटरी बचाने के लिए, और ब्रीथ मोड है अपने आप को स्ट्रेस से रिलीव करने के लिए। वहीं ऑनर में आपको हुआवे ट्रू सिम 4.0, हुआवे ट्रू स्लीप के लेटेस्ट सेंसर देखने को मिलते हैं, साथ में एक्सेलेरोमीटर है, गायरोस्कोप है, फीमेल साइकिल ट्रैकर, तो एक्यूरेसी काफ़ी अच्छे से आपको देखने को मिलने वाली है ऑनर बैंड 6 में। फिटनेस मोड भी ऑनर में ज़्यादा है 10 और बोट में है 8। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो बोट एनिग्मा जो है वो इंडिया में बनी है, और ऑनर तो हम सब जानते ही हैं कि चाइनीज़ ब्रांड है। मोबाइल ऐप भी बोट एनिग्मा की जो ऐप है उसका नाम भी बोट एनिग्मा है, और ऑनर की जो है आपकी हुआवे हेल्प। तो आइए आपको बताता हूँ कौन किस में ज़्यादा आगे है। तो बोट एनिग्मा है जो है थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन दे रही है, स्ट्रॉन्ग मेटल बॉडी है, एक्स्ट्रा स्ट्रैप आपको मिल रहा है, इको मोड है, गेस्चर कंट्रोल्स हैं, एंड बिग बैटरी है, साथ में PP मॉनिटर भी है। ऑनर बैंड 6 की बात करते हैं तो 200 से 300 रुपये लगभग वो सस्ता हो सकता है। एमोलेड डिस्प्ले है, लाइट वेट है, ब्लूटूथ 5.0 लेटेस्ट है, 5 ATM है, ज़्यादा दिन का बैटरी बैकअप क्लेम कर रही है कंपनी, ज़्यादा वॉच फेस है, ज़्यादा फिटनेस मोड है, और काफ़ी अच्छी इसकी मोबाइल ऐप है। दोस्तों फीचर तो आपने देख ही लिया, ऑनर बैंड 6 ने काफी जगह बाजी मार ली है, तो जो ऑनर बैंड 6 है आपको लगभग इसी प्राइस रेंज का मिलेगा, इसे थोड़ा सस्ता ही मिलेगा एनिग्मा के, और उसके बाद आपको एमोलेड स्क्रीन दे रहा है कि जो कि
और इसका जो साइज भी है बिल्कुल एक स्मार्ट वॉच के साइज इतना है, हालांकि उससे बड़ा ही है कई आप स्मार्ट वॉचेस से अगर कंपैरिजन करते हैं तो। उसमें आपको एमोलेड स्क्रीन मिल रही है, 5 ATM मिल रहा है, लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.0 मिल रहा है, तो कनेक्टिविटी शो आपको नहीं देखने मिलने वाला, वॉच फेसेस ज्यादा मिल रहे हैं जो एनिग्मा में आपको देखने को नहीं मिल रहे थे, फिटनेस मोड ज्यादा है, बैटरी बैकअप ज्यादा दिन का क्लेम कर रहा है और ऊपर से ऑनर की ब्रांडिंग है। इसकी जो ऐप है इतनी रिफाइंड ऐप है कि आपको मजा आ जाएगा जब आप उसको यूज करेंगे, काफी डिटेल्ड में एनालिसिस है, एक्यूरेसी है, फीचर्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। वहीं पर हम एनिग्मा की बात करते हैं, अगर आप उसको लेते हैं तो आपको मिलेगी एक तो मजबूत बॉडी देखने को मिलेगी, उसके अलावा जेस्चर कंट्रोल जो नए नए आए थे इसके अंदर वो मिलेंगे, ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी आपको देखने को मिलेगा जिसकी एक्यूरेसी ठीक ठाक थी। और आपको अगर बोट एनिग्मा की कोई भी डिटेल जाननी है तो मेरे चैनल पर 2 वीडियोस, एक है अनबॉक्सिंग से रिलेटेड जिसमें मैंने उसके फीचर्स एक्सप्लेन किए हैं उनको ऑन चलाकर दिखाया, और दूसरा है एक्यूरेसी से रिलेटेड वीडियो जिसमें पूरी एक्यूरेसी की टेस्टिंग किया ऑक्सीमीटर और बीपी मशीन के साथ में। तो फिलहाल इन दोनों की बात करते तो यहाँ पे क्लियर कट विनर मुझे ऑनर बैंड 6 ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा ब्रांड है, ऊपर से काफी सारे फीचर्स वो ऑफर कर रहा है, शेप बड़ी प्यारी है इसकी वॉच के साथ में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा चीज़ अच्छी लगी, मतलब बैंड अच्छा लगा या एनिग्मा वॉच अच्छी लगी है। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू, नए कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, बाय बाय।